पिछोर में कांग्रेस के पोलिंग एजेंट की हत्या से फैला आक्रोश। ग्रामीणों ने सभी रास्तों पर लगाया जाम, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के भौंती थाना क्षेत्र के महोबा डामरोन गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट की हत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों और हत्याकांड से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को भौंती कस्बे के सभी मार्गों पर जाम लगा दिया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है। इस हत्याकांड को लेकर प्रदर्शनी आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज करने, षड्यंत्रकारी लोगों के केस में नाम बढ़ाने और मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद रात में कांग्रेस प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट कृष्णपाल सिंह चौहान लापता हो गया था, जिसके बाद कृष्णपाल सिंह चौहान की पत्नी ने 2 दिन बाद भौंती थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 10 दिन बाद रविवार को इस मामले को ट्रेस करते हुए कृष्णपाल सिंह चौहान का बोरे में बंधा हुआ शव पहाड़ियों के पास स्थित एक सूखे कुएं से बरामद किया था। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों को लेकर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट कृष्णपाल सिंह चौहान की आरोपियों द्वारा करंट लगाकर हत्या की थी, उसके बाद शव को बोरे में बंद कर एक सूखे कुएं में दफना दिया था। ले जाएंगे और उनको अधिक से सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। हमको जनता का और पीड़ित परिवार का सहयोग भी अपेक्षित है। ठीक है सर, अब आप मैं तो सर से यही कह रहा हूँ कि हमारी बिल्कुल मांगे ऑन टाइम इमीडिएटली बिल्कुल मानी जाए, तुरंत अभी मानी जाए। शहर में पूरे क्षेत्र में गुंडागर्दी व्याप्त है, पूरा बीजेपी चल रहा है, थाना बिल्कुल लीज पे चल रहा है, सिपाही थाने चला रहे हैं, टीआई की कोई नहीं सुन रहा है। कल हमें गाली दी गई, टीआई साहब उसके साथ थे, हमें गालियां दी गई, टीआई साहब ने उसको कुछ भी नहीं बोला। तुरंत टीआई साहब को निलंबित किया जाए, हम निलंबित किया जाए, ऑफिस मकान पटके जाए, हमारा लेने जितने आरोपी हैं, जितने आरोपी उनके नाम दर्ज वो नाम भी है, अभी ये लेके जाए बिल्कुल। अभी जो नाम दर्ज एफ आई आर कटी है 5 लोगों के खिलाफ, उनके तो कितने नाम और बढ़ाना चाहते वो आरोपियों? मैंने आवेदन में दे दिया, कम से 8-10 लोग और हैं, षड्यंत्रकारी भी हैं, मास्टरमाइंड तो अभी मिला ही नहीं है, जो करवा सकता है ये तो बस इनको करवा दिया गया है। तहसीलदार साहब की बात है।